थिंक बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्लेटफॉर्म है, और जो मुकेश ने किया है हमारे इंडस्ट्री के लिए वो बहुत अच्छा किया. और यू नो सबसे अच्छी बात है कि एक्चुअली मैं फिल्म फैमिली से आता हूँ तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन्होंने ना बहुत फेयर ग्राउंड बना दिया है कि कास्टिंग मेरिट पे होगी भाई, यू नो, और कोई रीज़न की वजह से नहीं होगी, और ये अच्छी बात है एक्चुअली, यू नो. और मैं जैसे मैंने कहा कि मैं फिल्म फैमिली से आता हूँ मुझे तो ये नहीं कहना चाहिए, बट जो भी फेयर प्ले होता है ना तभी मज़ा आता है, यू नो, और तभी हर इंसान अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है. बहुत अच्छी, बहुत अच्छा नाम है. आई थिंक मुकेश इज़ नोन फॉर डूइंग यू नो अतरंगी स्टफ, तो बहुत अच्छा नाम है. ये तो एक फिल्म का टाइटल लगता है. एक तो फ्री में जो मिलता है वो सबसे अच्छा लगता है, दूसरा 5-10-15 मिनट है, 3 घंटा 2 घंटा बैठने में उतना पेशेंस नहीं है. सो वो तो फ़र्क रहेगा ही, और चीज़ें बदल रही हैं तो समय के साथ हमें सबको बदलना पड़ेगा. हम बदलेंगे नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, बाकी दुनिया तो आगे निकलती जा रही है. कल परसों बहुत एक्साइटेड हूँ. तापसी ने बहुत अच्छा काम किया है और आलिया ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, हमारी म्यूज़िक बहुत अच्छी है, बाकी सारे आर्टिस्ट भी साकेत, अभिलाष, निधि, सृष्टि, आयशा, सब ने बहुत अच्छा काम किया है. तो यू नो ये वो झुंड वाली फिल्म है, यू नो एक होता ना कि ये अपने पार्टनर के साथ जाके देखो या झुंड में दोस्तों के साथ जाओ, तो ये झुंड वाली फिल्म है. हाँ बस तो उम्मीद करता हूँ अच्छा आप लोग सब सक्सेस पार्टी में भी आओ और मीडिया के साथ हम जश्न मनाएं. आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप. मुकेश हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग करता है. खिड़कियाँ उसका एक थिएटर फेस्ट है, ये उसने शॉर्ट फिल्म फेस्ट बनाया है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच ऑल हिज शॉर्ट फिल्म्स. जी देखिए कभी कभी कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें 1 hour 20 minutes की जरूरत, यू नो यू डोंट नीड 2 hours फॉर इट, यू डोंट नीड अ डेली सोप, लाइक यू डोंट नीड ईयर्स टू कम्युनिकेट योर स्टोरी. समटाइम्स वी हैव स्टोरीज विच जस्ट हैव प्रॉब्ली द ड्यूरेशन ऑफ लाइक 30 minutes और 15 minutes. सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज जिनको जिन स्टोरीज को जितनी जितना वक्त चाहिए उतनी ज़रूरत है. It's great, it's been happening since a very long time. Short films are a part of the industry and we've been making a lot of them since a lot of years. And now, abhi bahut zyada inhe importance bhi mil rahi hai because it's like fat se dekh li na. So it's a great, I think for anybody who's ventured out new or anybody who wants to try something interesting and you know, wants to test an audience space, who wants to show his talent in a different avatar. Like agar mujhe kuch ekdam hi radical karna ho to main ek short film karke dekhungi uska kya response aayega, and then on basis on those responses, one second, sorry, on basis on those responses I will take further steps. ji means is wajah se log zyada aa rahe dekha jata hai, talent zyada hai, iske piche iska reason mante hain aap digital platform? I think it's great. I think digital is a great platform for a lot of new talent. Ek bahut huge section of audience है हमारा
जो ना टेलीविजन को कैटर करता है और जो ना फिल्म को कैटर करता है, एंड दैट ऑडियंस इज गोइंग टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, विच आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग, एंड विच आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज वेन यू आर ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म यू आर लिमिटलेस एंड देर इज नो सेंस ऑफ लाइक एवरीबडी इज अ स्टोरी टेलर ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. एवरीबडी कैन टेल अ स्टोरी. ऑल यू हैव टू डू इज हाउ इंटरेस्टिंग यू मेक इट, हाउ एंगेजिंग यू मेक. लाइक फॉर मी माई ट्विटर, माई इंस्टाग्राम, माई फेसबुक पेज इज माई स्टोरी टेलिंग. तो मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत खुराफात है वो मैं इन सब जगहों पर यू नो पूरी करती हूँ. तो द डे आई हैव टू डायरेक्ट, आई प्रॉब्ली स्टार्ट विद अ शॉर्ट फिल्म, पुट इट आउट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, सी रिएक्शन, बिकॉज वहाँ पर आपको इमिजिएट रिएक्शन मिलते हैं. उसके बाद आई वुड वांट टू इन्वेस्ट इनटू अ बिगर इन्वेस्टमेंट और समथिंग लाइक दैट. आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. आप इन फ्यूचर दिखेंगे या नहीं शॉर्ट फिल्म्स में? व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स इफ द स्क्रिप्ट इज ग्रेट, इफ द डायरेक्टर इज गुड, आई वुड लव टू एसोसिएट माईसेल्फ, एंड इफ आई हैव टू डू समथिंग कंप्लीटली रेडिकल आई वुड लव टू डू इन शॉर्ट फिल्म्स. आई लेट यू नो विद अ गुड़गांव हुआ है अभी. आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग राइट नाउ. सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माई फ्यूचर. Thank you, bye-bye. हाँ इतना हाँ बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, देखते हैं. बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में हैं और मियाँ कल आना मैंने काफ़ी पहले एडिट में देखी थी और कई सारी अच्छी फिल्में हैं. बहुत सारे नए लोग, बहुत सारे नए टैलेंट और बहुत सारा नया काम देखने को मिलेगा. आई एम रियली एक्साइटेड. सी एक कोई भी एक शॉर्ट फिल्म में किसी भी टैलेंट को एक अपना काम दिखाने का मौका मिलता है और इस तरीके का कोई भी प्रयास उन टैलेंट को आगे लाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है. मैंने भी बहुत सारी शॉर्ट फिल्में की हैं और ऑल द बेस्ट सारे एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को. लेट्स सी. और मुकेश हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और ये अच्छा है. ना जाने मुकेश अवरा कैसे इतना सारा वक्त निकाल लेते हैं मुझे नहीं पता, बट हाँ ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर एनी, इफ देयर इज़ एनीथिंग न्यू, चाहे वो एक्टर खोजने की बात हो या किसी भी तरीके से कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने की बात हो, तो मुकेश को मैं हमेशा मैंने पाया है. डिजिटल तो मतलब मैं खुद ही अभी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये इतना बड़ा होता जा रहा है. बिकॉज पहले बहुत कम हम YouTube जानते थे, ठीक है. धीरे 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 अभी ऐसा हो गया है कि मुझे लगता है घंटे डेढ़ घंटे हर वो हिंदुस्तानी जिसके पास स्मार्टफोन है वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे टोटल मिला के एक आध घंटे बिता देता है, कुछ पोस्ट करने में, कुछ देखने में, किसी मित्रों से चैट करने में. और बहुत सारी एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में जो हो रही हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से हम कनेक्टेड फील करते हैं. इवन मैं खुद, मेरे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के दोस्त जिन्हें मैं 16-17 साल से नहीं मिल पाया, वो इन सारे चीज़ों की वजह से मैं मिल सका हूँ. अभी एक नई फिल्म है उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अभी वेट कम करने में लगा हुआ हूँ. थोड़ा और वक्त जाएगा क्योंकि मुझे थोड़ा वक्त जाता है तैयारी करने में, तो थोड़ा और वक्त जाएगा और
काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी नहीं बोलूँगा। सर देखा जाए तो मुक्काबाज के लिए आपने काफ़ी पूरा इंडस्ट्री अप्रिशिएट किया था आपके वास्ते, कोई प्रेशर है इस मूवी के लिए? नहीं, मैं प्रेशर तो लेता नहीं। जब मैं मेडिकल कॉलेज से आया था यहाँ पे स्ट्रगल करने, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने प्रेशर के इंजेक्शन दिए थे, मैंने लिए नहीं। सब ने बोला डॉक्टर बन के कौन ये सब करता है, मैं बोला ये करके देखते हैं, ये नया है, मैं प्रेशर वेशर नहीं लेता। हाँ, मैंने जो रास्ता चुना था वो थोड़ा टफ था, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स को जानता हूँ, ये आसान तो नहीं है, लेकिन आप अगर सपने देखते हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता बन ही जाता है, आप विश्वास बना के रखिए अपना। कहाँ नहीं है भाई, मैं तो गाँव वाँव में जाता हूँ, किसान मतलब ना आप रोटी खाते हैं, हाँ उसको उगाने के लिए पता है कितना वक्त जाता है, पहले खेती करो, ज़मीन को तैयार करो, फिर उसमें रोपाई करो, फिर उसे प्रोटेक्ट करो, फिर उसमें पानी दो, ना ज़्यादा ना कम, फिर उसमें से अंकुर निकलता है, फिर उसे संभालो, कीड़ों से बचाओ, बारिश से बचाओ, फिर उसे काटो, फिर उसे दाओ, तब जाके एक अन्न मिलता है, कहाँ मेहनत नहीं है। हाँ यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो लगे रहिए और हिम्मत से बढ़ जाइए। हाँ मुझे पता नहीं मुझे कब कौन सी चीज़ एक्साइट करेगी, मुझे खुद नहीं मालूम, अब मैं प्लान नहीं करता। बहुत प्लान करके आया था इस शहर में, तो 17-18 साल लग गए, अब ज़्यादा प्लान नहीं करता, जैसा मैं फील करता हूँ मैं करता हूँ। बहुत सारी शॉर्ट फिल्में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और बहुत अच्छा काम देखने को मिलता है, मुझे लगता है आए दिन कुछ ना कुछ दिख जाता है। बहुत सारी शॉर्ट फिल्में हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं ऐसे जो फीचर फिल्म बनाना चाहते हैं और वो उन्होंने बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाई है। जैसे मेरे फ्रेंड हैं फराज अली, उन्हें जब कोई खास टेक्निकल चीज़ें नहीं पता थी तब उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मेहरूनी, और बहुत ही सॉफ्ट और टेक्निकली चीज़ें थी नहीं, दोस्तों ने मिलके बनाए थे, बट द मैसेज वाज रियली वेरी पावरफुल। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जिस तरीके से आप बोलती खिड़कियाँ हमेशा जैसे पहले थी
थिएटर के एक्टर्स को डायरेक्टर्स को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, ऑडियंस क्रिएट की, उसी तरीके से इन्होंने एक आगे स्टेप बढ़ाया है फिल्म के लिए, फिल्म मेकर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स को लेके और उनसे फिल्में बनवाई और उसको अभी आज उसका शो उनके शोज हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, यंग टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, विच इज़ वंडरफुल एक्चुअली। आपका भाई का देख जी मियाँ का लाना उनसे, मैं तो एक्साइटेड हो चुका, बहुत पहले की फिल्म है और देख चुके बहुत सारे फेस्टिवल में भी वो गई है, तो अभी ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा आएगा उसके लिए। डिजिटल बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, आप बहुत ही घर घर में आप देख सकते हैं, वर्ल्ड सिनेमा देख सकते हैं, अपनी मर्जी की फिल्में देख सकते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है डिजिटल। उसकी तो अभी प्रिपरेशन में हूँ मैं, तो अभी तो बहुत नर्वसनेस है मेरे अंदर, थोड़ा सा टाइम बचा है, मुझे लग रहा था थोड़ा सा और टाइम मिलेगा मुझे प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मेरी एक शूटिंग अभी ख़त्म हुई है रिसेंटली, आई थिंक 2-3 दिन पहले ख़त्म हुई है, तो अभी मैं ये अपनी फिल्म की तैयारी में लगा हुआ हूँ फिलहाल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। किधर आना, यही आना ना, हाँ बहुत खुल ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है बहुत अच्छा है, बडिंग फिल्म मेकर्स को मौका मिलता है अपना टैलेंट दिखाने का और साथ में नई नई स्टोरीज फ्रेश टैलेंट आगे आता है। बहुत बहुत मेरी बधाई है मुकेश जी को और नवाज साहब को, ये इस तरह के एफर्ट वो करते हैं, बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मेरा रनिंग स्टेटस नहीं है, मेरा स्टैंडिंग स्टेटस है, स्टिल स्टेटस है, अभी कुछ एक दो चीज़ें फाइनलाइज होने वाली हैं, लास्ट मोमेंट पे अभी फाइनलाइजिंग स्टेज पे हैं। सॉरी मैं जल्दी अनाउंस करूँगा, जल्दी आपको बताऊँगा, हाँ जी हाँ जी, मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूँगा बहुत जल्दी, अभी जैसे मैंने कहा कि अभी चीज़ें फाइनल हो रही हैं, जैसे ही होती हैं बहुत शीघ्र मैं बताऊँगा। हाँ जी, हाँ मैं उस शो में नहीं हूँ और इस तरह का मुझे कोई प्रस्ताव नहीं है, मैंने जवाब दिया शायद आपने सुना नहीं, थैंक यू सो मच, मैं चल रहा हूँ, शुरू हो गई पिक्चर। हाँ जी हाँ जी, हाँ उनके लिए तो सारा मैसेज है, क्योंकि जितना औरतों ने सब कुछ समाज में, जो औरतों के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है समाज, और मेरा तो बहुत लगाव है उनके साथ, ख़ास करके मैं तो खुद एक औरत बनता हूँ, तो मेरा तो ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है उनको, इस जेंडर को मैंने ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है वैसे, और वही औरतें ही होती हैं जो विमेन, जो औरतें होती हैं ना वही अच्छी होती हैं, आदमी ऐसे ही टाइम पास है, बना दिया ईश्वर ने, थैंक यू सो मच।
Global Advertiser for innovative outdoor solutions.